ओके गाइस, तो आपको आना है appypie.com के ऊपर। यहाँ पे आपको appypie से रिलेटेड काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ऐसे तो बहुत सारे ऐप बिल्डर हैं, लेकिन appypie ईज ऑफ यूज एंड वैल्यू ऑफ मनी की वजह से नंबर वन है। मैं आपको बता दूं, नाइक, द ग्रेट खली, डीजे अकील, इंडियन एम्बेसी, द स्कॉट ग्रुप, लॉरियल, श्रीलंका क्रिकेट, डिकैथलॉन, डेलॉयट और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो appypie से बनी हुई एप्लीकेशन यूज कर रही हैं। खैर चलिए, ऐप मैकिंग स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है अपने एप्लीकेशन का नाम डालना है, जो भी आप जो है अपने एप्लीकेशन का नाम रखना चाहते हैं। और उसके बाद जो है आपको यहाँ से कैटेगरी चूज करनी है। काफी सारी कैटेगरी दी हुई है, तो आप सिंपली जो है क्लिक करके चूज कर सकते हैं। बिजनेस, यहाँ पे आप जो है प्रीव्यू चेंज कर सकते हैं, मतलब स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग, एंड्रॉयड स्मार्टफोन, उसके साथ ही जो है iOS, ब्लैकबेरी और विंडोज ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट, अगर आपका कोई फेसबुक पेज है तो आप जो है उसका यूजर आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर सिंपली आप जो है स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंड यहाँ पे आपको जो है डिजाइन चूज करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके का दिखेगा। तो आप यहाँ से लेआउट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये लेआउट चूज कर रहा हूँ, मेरा जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक्चुअली आपको थोड़ा सा काम करना है बिजनेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसने जो है कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए हैं हमारे एप्लीकेशन में। इनमें से हम किसी को भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि अबाउट अस है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास जो है एडिटिंग के ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे अब जो भी हम चाहें वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी कस्टमाइजेशन करनी हो आप जो है यहाँ पे इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं, यू नो, डिलीट का। अगर आप इस एप्लीकेशन को, इस फीचर को, अबाउट अस को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। आप जो है अबाउट अस में लॉग इन एनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लॉग इन एनेबल कर सकते हैं। वैसे ही आप हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसे क्लोज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे वेबसाइट है और दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्विटर है, मुझे इसे डिलीट करना है, मैं यहाँ से इसे जो है डायरेक्टली डिलीट कर दूंगा। ओके, इसे अगर हमें अरेंज करना हो किसके बाद किसे डालना है तो वो भी चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। अब चलिए, अगर आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड करना हो तो सिंपली ऐड में जाइए और यहाँ पे आपके पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे सजेस्टेड में स्टोर है, स्टोर ऐड करना हो, डिक्शनरी ऐड करना हो, ई कॉमर्स है, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वैसे सोशल है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, या फिर बोल, चैट, मैसेंजर, कुछ भी ऐड करना हो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे जो है ट्विटर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे ट्विटर का जो भी यूज़र आईडी है मैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, और उसके साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मल्टीमीडिया है, कॉन्टैक्ट है, कॉमर्स है, इन्फॉर्मेशन है, तो जो भी ऑप्शन आपको यूज़ करें सिंपली आप जो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए और वो आपका ऐड हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग जो है अपने एप्लीकेशन को प्रीव्यू करके देख लेते हैं। जैसे कि अबाउट अस है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, हम लाइव यहाँ पे जो है प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपने वेबसाइट को, फोटोज वगैरह को जो है वो देख सकते हैं। इसने ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ से फेसबुक की सारी फोटोज को जो है निकाल लिया है, तो हम यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम पेज का, आप जो है अपने एप्लीकेशन के ऊपर जो है लॉगिन एनेबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अप्लाई ग्लोबल लॉगिन, जैसे आपका एप्लीकेशन होगा पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आगे इन्फॉर्मेशन यू नो शो की जाएगी, तो आप उन सब सेटिंग्स को यहाँ से जो है सेटअप कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप जो है डिजाइन को अगेन कस्टमाइज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना हो, आप अपना खुद का जो है बैकग्राउंड अगर डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। उसके साथ ही जो है आप ऐप आइकॉन वगैरह भी जो है चेंज कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको अपना कस्टम लोगो वगैरह अपलोड करना हो तो वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ओके, नीचे भी आपको और भी जो है फॉन्ट और कलर्स वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो भी चेंजेस करने हो, जो भी कस्टमाइजेशन करनी हो, आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। देन जब आपका फाइनली एप्लीकेशन रेडी हो जाए तो आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड फाइनली यहाँ पे आपको जो है साइन अप करना है या फिर लॉग इन करना है। आप फेसबुक, गूगल का भी
यूज करके यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे प्लान चूज करना है। अगर आप प्रीमियम फीचर्स का मजा लेना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप जो है प्रीमियम प्लान यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्री प्लान यूज करूंगा। और फाइनली हमारे ऐप बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। 10 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं और अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। तो चलिए वेट कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली हमारा एप्लीकेशन रेडी है डाउनलोड करने के लिए। हम यहाँ पे जो है QR कोड या फिर लिंक की हेल्प से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे QR कोड का यूज करूंगा। आपको पता होगा कि अगर आप अननोन सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको जो है अननोन सोर्स इनेबल करना होगा अपने एंड्रॉइड फोन में। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको जो है सेटिंग्स में जा करके डेवलपर को परमिशन देनी होगी, तभी वो आपका एप्लीकेशन जो है वो रन होगा। आप जो है यहाँ से डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं, कंटिन्यू टू माई एप्स। यहाँ पे आपकी जो है सारी एप्लीकेशंस होंगी और उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको एडिट करना हो, डाउनलोड करना हो, नोटिफिकेशन है, मोनेटाइजेशन है, एनालिटिक्स है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो फ्यूचर में अगर आपको अपने एप्लीकेशन में चेंजेस करने हो तो आप जो है सिंपली डैशबोर्ड में आ सकते हैं और वहां से जो भी चेंजेस करने हो, मॉडिफिकेशन करने हो या फिर देखना हो, वो चीजें आप यहां से देख सकते हैं, कर सकते हैं। अब दोस्तों ये है हमारा एप्लीकेशन जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया है। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है हमारी कुछ और वीडियोस जिसे आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।